भारत और चीन के बीच विवाद शुरू हुए साल भर से ज्यादा हो गए। विवादों के दौरान कई दौरे की बातचीत भी हुई ताकि विवादों को सुलझाया जा सके, लेकिन चीन लगातार बातचीत के दौरान भी ऐसी हरकतें करता रहा जिन्होंने विवादों को ज्यादा बढ़ाया। लेकिन अब जब भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर 12वें राउंड की वार्ता हुई, तब इस वार्ता के बाद दोनों देशों के सैनिक गोगरा में पीछे हटे। इसके साथ ही गोगरा में निर्मित सभी स्थायी स्ट्रक्चर को भी हटा दिया गया है। तो चलिए उस जगह की ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं जहां से चीनी सेना पीछे हटी है। पिछले लगभग एक साल से ज्यादा वक्त से भारतीय सेना लद्दाख के ऊंचे पहाड़ों में चीनी सेना के साथ मुकाबला कर रही है। गलवान के खूनी भिड़ंत के बाद से भारतीय सेना चीनी सैनिकों को कोई मौका नहीं देना चाहती। इस वक्त हम आपको 14,000 फीट की ऊंचाई पर एक फॉरवर्ड पोस्ट पर दिखा रहे हैं किस तरह से भारतीय सेना के जवानों को आधुनिक हथियारों से लैस किया गया है, चाहे बात रॉकेट लॉन्चर की हो या छोटे हथियारों की हो। सबसे खास बात अमेरिका की बनी 6 और 716 असॉल्ट राइफल से यहाँ पर जवानों को लैस किया गया है। ये इस वक्त आधुनिक राइफल है जिसे भारतीय सेना के जवानों को दिया गया है। 500 मीटर रेंज की ये राइफल है जो नजदीकी लड़ाई के लिए एक बेहतर हथियार है और दुनिया की बेहतरीन राइफल में शामिल है। और आने वाले दिनों में भारतीय सेना के जो जवान इंसास राइफल का इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी जगह 6 और 716 असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर भले ही इस वक्त गोगरा में जिस तरह के डिसएंगेजमेंट की कार्रवाई हुई है, दोनों सेना अपनी अपनी जगहों पर पीछे हटी हैं, लेकिन भारतीय सेना अपनी तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ मजीद नेगी, लद्दाख फॉरवर्ड पोस्ट। पीछे हटने की प्रक्रिया दो दिनों में की गई थी, यानी कि 4 और 5 अगस्त को। फिलहाल अब दोनों पक्ष के सैनिक अपने अपने स्थायी ठिकानों में हैं। दोनों पक्षों द्वारा क्षेत्र में बनाए गए सभी अस्थायी ढांचों और अन्य संबद्ध बुनियादी ढांचों को ध्वस्त कर दिया गया है। सेना के बयान के मुताबिक ये समझौता सुनिश्चित करता है कि दोनों पक्षों द्वारा इस क्षेत्र में LAC का कड़ाई से पालन और सम्मान किया जाएगा। यथास्थिति में कोई एक तरफा बदलाव नहीं है। दोनों पक्षों ने वार्ता को आगे बढ़ाने और पश्चिमी क्षेत्र में LAC के साथ शेष मुद्दों को हल करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सेना ने कहा है कि इंडियन आर्मी सेना ITBP के साथ पश्चिमी क्षेत्र में LAC के साथ राष्ट्र की संप्रभुता सुनिश्चित करने और शांति बनाए रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। गौरतलब है कि इसके पहले पैंगोंग लेक एरिया से भी चीन और भारत की सेना पीछे हटी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।